भारत और चाइना के संबंध कैसे हैं ये किसी से नहीं छुपा है, क्योंकि समय समय पर चाइना ने जो विश्वासघात किया है उससे चाइना से भारत के संबंधों में खटास बढ़ती जा रही है। और अब जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, तब से तो चाइना पे से सभी देशों का विश्वास टूट सा गया है। अमेरिका ने तो खुद ही आगे बढ़कर चाइना से अपने संबंध तोड़ने शुरू भी कर दिए हैं, वहीं भारत से भी इसके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत चाइना के लद्दाख को लेकर चल रहे विवाद के बारे में। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और VR1 चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर ढीमन सर। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाइना किस तरह से सीमा पे इक्विपमेंट तैनात कर रहा है और भारत उसके जवाब में क्या कार्यवाही कर रहा है। देखिए, जो चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट अभी तक हुई है वो उन्होंने हैवी इक्विपमेंट लाया है और उसमें हैवी इक्विपमेंट में उन्होंने अपने ट्रुप्स लोड करके लाए हैं। और जो अभी तक हमने देखा है, जैसे सबसे पहले हमने देखा है कि उनकी जो नगोरी नाम की एयरफील्ड है वहाँ पे ऊपर हमारी JF-17 की जो फाइटर डिप्लॉयमेंट देखी गई है, वहाँ कुछ एडिशनल एयरफील्ड के ऊपर कंस्ट्रक्शन देखी गई है। उसके अलावा अगर हम उसके ऊपर और नॉर्थ में आते हैं तो प्योंगसो, जो हमारी वहाँ पे पेगोंग लेक है प्योंगसो, वहाँ पर के फिंगर एरिया में चीन ने इंकर्शन की है। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे इंकर्शन की है। फिर उसके और ऊपर आते हैं तो हॉट स्प्रिंग्स में इंकर्शन की है। गलवान वैली में उन्होंने दो जगह पे टेंट्स लगाए हैं, तकरीबन 80 टेंट्स एक जगह पे हैं और करीबन 60 टेंट्स एक जगह पे हैं। और बताया जाता है कि तकरीबन 1500 BDR पर्सनल, जो चाइना की एक पैरामिलिट्री फोर्स है, वो वहाँ पर आई है। उसके अलावा कुछ सारी इंकर्शन उनकी ऊपर डेपसोंग वैली में भी हुई हैं। तो इस किस्म की इंकर्शन जो सारी हुई हैं, ये सारी की सारी हैं पैरेलल टू द रोड जो हमने बनाई है, जो देमचोक श्योक और दौलतबाग ओल्डी जो हमारी रोड हमने नई बनाई है 255 किलोमीटर की, ये उसके सामने ही 5-6 पॉइंट्स पर इन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट की है और इंकर्शन करने की कोशिश की है। और बेसिकली इसके जवाब में इंडियन ने पहले यहाँ पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की एक पोस्ट होती थी, अभी हमने 3DF जो लेह में डिवीजन स्थित है इंडियन आर्मी का, उसकी बहुत सारे जवान आगे मूव कर दिए गए हैं। सारे के सारे अपने फॉरवर्ड एरियाज में आ गए हैं, उनके बंकर्स बन गए हैं और बहुत सारी जो रिक्विजिट थी, चीज़ें थी, वो करी गई हैं। और इसके अलावा जो चाइना की तरफ से एयर वायलेशन हो रही हैं बाय वे ऑफ एयरक्राफ्ट और इवन हेलीकॉप्टर वायलेशन हो रही हैं या ड्रोन्स की हो रही हैं, तो उसके जवाब में हमारे भी तरफ से रफाल की तैनाती हुई है और उसके अलावा जो भी तेजस की नई स्क्वाड्रन बनी है शायद उसकी भी तैनाती के बारे में सोचा जा रहा है। तो जो कुछ भी चाइना कर रहा है मिलिटरीली इंडिया पूरा का पूरा जवाब दे रही है। जी सर, जैसे कि सबको पता है कि चाइना की नज़र लद्दाख पर बनी हुई है और वहाँ पर तो आए दिन चाइना की तरफ से हमले होते ही रहते हैं, तो क्या लद्दाख में सच में हालात सुधारने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या सच में हालात बिगड़ते जा रहे हैं? देखिए, जैसे द फर्स्ट टाइम जब से हुआ और उसके दो दिन के बाद पहले चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, फिर उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन थे, फिर उनके जो राजदूत थे जो हिंदुस्तान में हैं, सबने आके पहले जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चनिंग करी थी उसका सब बेलो डाउन करना शुरू कर दिया। सबने ये बोलना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो एक, जब इंडिया ने टफ स्टैंड लिया तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये तो एक आपस में बातचीत में हम सुलझा लेंगे, कोई खास बात नहीं है, हमारे पास बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के मैकेनिज्म्स हैं। पहले हमारी ब्रिगेडियर लेवल पे एक बॉर्डर मीटिंग होती है, फिर एक जनरल लेवल पे बॉर्डर मीटिंग होती है, उसके अलावा हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पे बात चलती है, हम इन टच में हैं और अभी बताया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी भी बात करेंगे। तो इस किस्म के रिस्पॉन्स आने से शुरू हो गए हैं। तो इससे लगता है कि ये बेसिकली पोस्चरिंग थी, इंडिया के रिजॉल्व को टेस्ट करने का एक तरीका था, क्योंकि इस वक्त इंडिया के जो अमेरिका का साथ दे रहा है इंक्वायरी में अगेंस्ट चाइना वुहान वायरस के अगेंस्ट, फिर जो इंडिया ताइवान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है या तिब्बत की बात सामने आ रही है, तो इस तरफ तो जितने भी जिन सब चीज़ों से जहाँ पे जो चाइना घिर चुका है इस वक्त दुनिया में और हिंदुस्तान उसके अगेंस्ट है, तो शायद उसने कोशिश करी एक बार देखने की कि अगर मैं इंडिया को डराता हूँ लद्दाख में, बीच में नेपाल में, उसके पहले नाकुला में, तो इंडिया क्या रिस्पॉन्स होता है। तो इंडिया ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने बोला कि अगर आप हमें ये वुल्फ फॉरन डिप्लोमेसी दिखाएंगे तो हम भी इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे। जी सर, अभी आपने बताया कि बातचीत चल रही है, तो ये बातचीत किस लेवल पर चल रही है?
बातचीत का लेवल जहां तक मीडिया में हमारे को अभी तक पता चला है कि जो आर्मी के लेवल की बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। बेसिकली वो आके एक साथ बैठते हैं, देखते हैं कहाँ पे इंकर्शंस हैं, कितनी हुई हैं, कहाँ पे हमारा LAC की क्या हमारी परसेप्शन है और कहाँ कहाँ हमें पीछे जाना चाहिए, और उसके हिसाब से वो बात हो गई है। बाकी जो डिप्लोमेटिक लेवल पे बात चल रही है उसके बारे में भी कुछ खास खुल के सामने आया नहीं। जी सर बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझे और चाइना से लद्दाख को सुरक्षित किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर ढीमन सर, इनसे हम और भी चर्चाएं करेंगे और आप तक सही और सटीक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे।